हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ऑटोकैड के मॉडिफाई टूल बार के बारे में है। इस वीडियो में हम अलाइन कमांड देखने वाले हैं, ब्रेक, ब्रैकेट पॉइंट, जॉइन, रिवर्स, देन नेस्टेड कॉपी एंड डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। इतने ऑप्शंस देखने वाले हैं और इसके अलावा जो मॉडिफाई के ऑप्शंस है ये हमने पहले के वीडियो में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो ड्रॉ टूल बार के भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम अलाइन कमांड लेंगे। अलाइन कमांड के लिए हमारे पास में शॉर्टकट रहता है AL एंटर। ओके, AL एंटर करने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है जिसे हमें अलाइन करना है, देन एंटर करेंगे, फिर उसका सोर्स पॉइंट देना पड़ता है। जैसा ये पॉइंट जो है हमको यहाँ पे चाहिए और ये दूसरा सोर्स पॉइंट चाहिए हमको यहाँ पे। ओके, देन एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद में ऑप्शन आता है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स। अगर आपने स्केल किया, यस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो स्केल हो जाएगा, मतलब आपका जो पैरामीटर्स है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको पैरामीटर्स चेंज नहीं करना है तो आपको नो रखना है। ओके, तो फिलहाल मैं नो रख के मैं उसे एंटर कर दूंगा। तो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये अलाइन हो गया। आप चाहो तो 3 पॉइंट भी, 4 पॉइंट अलाइनमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, फर्स्ट कमांड हो गया हमारा अलाइन वाला। सेकेंड कमांड जो है वो ब्रेक कमांड है। ब्रेक के लिए शॉर्टकट रहता है BR एंटर। ओके, बाय डिफॉल्ट जो आता है ब्रेक में, देखिए 2 पॉइंट ब्रेक आता है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसा फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया हमने, ये सेकेंड पॉइंट। ओके, तो जितना दूर हमको ब्रेक चाहिए हम उतने दूर पर दूसरा पॉइंट क्लिक कर देंगे, तो ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक एट पॉइंट जो है इसका कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट नहीं है। ये आप कमांड आपको अगर लेना है तो ब्रेक एट पॉइंट पर जाके लेना पड़ेगा आपको। तो ब्रेक एट पॉइंट ले लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पर हमको ब्रेक चाहिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए वहाँ से क्या होगा, हमारा एंटिटीज़ जो है वो ब्रेक हो जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज़ में। ओके, देन नेक्स्ट कमांड जो रहता है वो जॉइन कमांड रहता है हमारा। जॉइन कमांड के लिए शॉर्टकट है जे एंटर कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये जो एंटिटीज़ है सिंगल एंटिटीज़ है, लाइन से हमने बनाया था, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसके बीच में गैप कुछ भी नहीं चाहिए। अगर गैप रहा तो जॉइन कमांड वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये जे एंटर हो जाएगा, जॉइन कर सकते हो आप प्रोफाइल्स को जे एंटर से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है रिवर्स रहता है, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए काम में आता है, बट ये विजुअलाइज नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, जैसा रिवर्स के लिए हमें शॉर्टकट नहीं है कोई, हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा, देन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये एंटिटी हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आता है ऑब्जेक्ट डायरेक्शन हैज़ बिन रिवर्स्ड, बट आप यहाँ पे चेंजेस नहीं देख सकते हो। ओके, वेक्टर ड्राइंग में आपके चेंजेस नहीं दिखते हैं। देन नेक्स्ट जो कमांड रहता है कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 3 एंटिटीज़ जो है इसको ब्लॉक बना लेंगे। तो ब्लॉक बनाने के लिए बी एंटर करेंगे हम, यहाँ पे एक पिक पॉइंट दे देंगे, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्लॉक नेम दे देंगे। ब्लॉक बेसिकली क्या रहता है कि आप नंबर ऑफ टाइम्स ये जो 3 एंटिटीज़ है इसका ग्रुप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए एक साथ सेलेक्ट होता है, बट सपोज कर लीजिए आपको ये पूरे ब्लॉक का एक पर्टिकुलर एंटिटी मूव करना है, कॉपी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एन कॉपी ले सकते हैं। एन सी एंटर करेंगे, नेस्टेड कॉपी ऑब्जेक्ट, देन देखिए ब्लॉक में मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये इतना ही सिलेक्ट हुआ। अगर आप चाहो ये दूसरा भी सिलेक्ट करना है तो देखिए 2 एंटिटी सिलेक्ट हो गए, देन एंटर करेंगे और इसके बाद जो ऑप्शंस आते हो कॉपी कमांड जैसे ऑप्शंस रहते हैं। ओके, तो देख सकते हो आप अभी ये ब्लॉक वैसा का वैसा है और हमारा कॉपी मिल गया। अगर हम नॉर्मल कॉपी करने जाएंगे अगर ब्लॉक को, तो क्या होगा, पूरा जो ब्लॉक है वो कॉपी होता है। ओके, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है नेस्टेड कॉपी, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप यूज़ करते हो आपके ड्राइंग्स में, और ब्लॉक के अंदर की कोई एंटिटी अगर आपको कॉपी करना है तो विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड कमांड आप कर सकते हो। अभी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये जगह पे 2 लाइन्स है। ओके, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो हमको यह डिलीट करना है, तो इसके लिए हमारे पास में शॉर्टकट है ओवर किल। ओके, ओवर ओ भी डालेंगे तो ओवर किल हमारा कमांड आ जाता है। ओवर किल बेसिकली डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स है। ओके, इसको नाम है दूसरा ओवरकिल, तो इसके लिए ओ भी एंटर करना है अपने को,
देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। ओके, तो उसके बाद में पूछता है आपको कौन सी प्रॉपर्टी इग्नोर करना है। जो भी इग्नोर करना है वो चेक अनचेक कर सकते हो यहाँ से आप। फिलहाल में हमें चेक अनचेक कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल एंटिटी भी आ जाएगा। जैसे अगर इसको मूव कर लेते हम, देखिए ओके, तो ये जो डुप्लीकेट ज्योमेट्रीज रहती है उसको रिमूव करने के लिए आपके काम में आता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।